सी एस हुई है, आरती विद्यापीठ पुणे से हुई है। सिन्हा है, मैं बेसिकली पलामू झारखंड से हूँ और मेरी एजुकेशन एमसीए हुई है, आरती विद्यापीठ पुणे से हुई है और मैं रांची में जॉब कर रहा हूँ। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। मुझे अपना मार्ट के बारे में मेरे एक कॉलेज के मित्र थे उससे पता चला, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपना मार्ट की फ्रेंचाइजी ले रखी थी। मैंने उनसे बात किया कि भैया आप तुम ये जॉब के साथ साथ कैसे कर लेते हो, ये अपना मार्ट कैसे कर लेते हो, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ईजी है कि अपने काम भी करते रहो और साथ में मार्ट भी खोलो। उसके बाद मैंने अपने मित्र के माध्यम से अपने मार्ट की टीम से कॉन्टेक्ट किया। अपना मार्ट की टीम ने हमें दो प्रॉपर्टी दिखाई, तो एक कटरू में थी और एक हाटमू में थी। तो मुझे कटरू वाली प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी लगी, मैंने इसको फाइनल कर दिया। जब फाइनल किया प्रॉपर्टी, उस समय ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, 20 डे के अंदर में ही इसे एजुकेट करके मुझे कम्प्लीट कराया, ये साइट हमारा रेडी हो गया। उसके बाद अपना मार्ट की टीम ने पूरे इंफ्रा सेटअप, कंप्यूटर सेटअप, कैमरा, फ्लोरिंग, बैनर, एवरीथिंग अपना मार्ट की टीम के द्वारा कराया गया। हमें कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ा और ये इसका मैंने वीकली हमें रिपोर्टिंग मिलता रहा कि भैया अभी आपका ये यहाँ तक ये प्रोग्रेस हो गया है, स्टोर सेटअप हो गया है, रैक लग गया है, कैमरे लग गए स्टोर में, उसमें पूरा सामान भी फिलअप हो गए थे। स्टोर ओपन से पहले टेक का, प्रोसेस का, ऐप का, हर कुछ का ट्रेनिंग दिया गया कि आपका ऐप ऐसे चलेगा, बिलिंग सिस्टम ऐसे होंगे, आपका ऑनलाइन डिलीवरी ऐसे चलेंगे, ये सब कुछ का पूरा पूरा हमने ट्रेनिंग दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने सेटअप किया कि ये स्टोर ओपन कब करना है, तो मैंने एक डेट फाइनल किया कि इस डेट को स्टोर ओपन करना है। अपने फैमिली के साथ मैं ओपनिंग दिन आया और स्टोर को ओपन किया। जब से मैंने अपना मार्ट ग्रोसरी स्टोर का फ्रेंचाइजी लिया है, तब से ये मेरे लाइफ में गेम चेंजर साबित हुआ है। उसके बाद से मैं स्टोर मेरा बहुत अच्छे चल रहे हैं, लगभग 1 ईयर से ज्यादा ही हो गए स्टोर मेरा प्रॉफिटेबल है। मैं जिस फिगर पर था उससे मैं 3 टाइम्स में आज के डेट में आ गया हूँ, जो सेल्स में अपना मार्ट ग्रोसरी स्टोर खोला है, तब से मैं ग्रोथ भी किया हूँ, सक्सेस भी किया हूँ, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ। अपना मार्ट की जो ऑपरेशनल सपोर्ट टीम है उनके द्वारा जो कस्टमर का, जो सोसाइटी का जो यूनिक नीड हुआ उसे फिलफिल करने में हमें बहुत सपोर्ट मिलते हैं। अपना मार्ट का जो ब्रांड नेम है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, प्राइसिंग जो है, ये हमारे स्टोर को सेल्स बढ़ने में, कस्टमर को हमारे स्टोर की ओर आने में काफी मदद करते हैं। बहुत इजीली आप अपने मार्ट के थ्रू आप अपने एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आप एक स्टोर के ऑनर बन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, आप कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं, साथ साथ पैरेलल में आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। 1 ईयर से मैं अपना मार्ट चला रहा हूँ, मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल हो गया है और जब से मैं चला रहा हूँ मेरा ये एक अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है और एक मेरे लिए एक लकी साबित भी हुआ है। थैंक यू अपना मार्ट फॉर हेल्पिंग मी टू अचीव माई ड्रीम। Hi friends, welcome to All Sharma Blog. मैं हूं आपका business दोस्त। To introduce about Apna Mart, right? And then probably Yasin can take the discussion up, right? And I think there's also a question which talks about कि क्या ये session पूरे English में? I think guys will try to be bilingual. Primarily we will speak in English, but अगर कुछ भी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती, please feel free to type it on the question and answer box. We will try to reiterate it. अगर लगेगा तो हम उस क्वेश्चन को फिर से हिंदी में आंसर भी कर देंगे, राइट? बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हूज टेकन आउट टाइम फॉर दिस डिस्कशन विद द टीम। वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक दिस इज अ गुड सोर्स फॉर अस टू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद आर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली वन ऑन वन एंड आंसर अराउंड एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव, राइट? आई quickly give you a brief summary about ki apna mart kya hai and apna mart kya karta hai, right? So even if our head office is based out of Bangalore, we are actually a Ranchi based company, right? We are a 2-year-old ecosystem and what we have done is that we have tried to ride the digital wave of India, right? And we are building a brand for the Bharat audience, right? Aur uska matlab kya hai, what I'm trying to say is that see, with everything happening in the digital space, we fundamentally as a company believe that the retail revolution, the next step of retail revolution will happen in tier two, right? And while retail fundamentally in tier two will change, what will happen is that it will change in a pattern wherein digitalization and retail goes hand in hand, right? So what we are trying to do is we're trying to ensure that this digitalization happens in all the tier two cities, but
at the same point of time, as a brand, we realized that in all the cities, the most important factor, जो सबसे important बात है एक retail chain पे, वो ये होता है, वो एक retail shop पे ये होता है कि आप जिस भी neighborhood store से shopping करते हैं, right? आपको उसका चेहरा याद होता है, वो relationship exist करता है, आप उनसे interact कर सकते हैं, उनसे अपनी बात रख सकते हैं, वो आपका purchase pattern समझता है और वो ये समझता है कि किस कारण से आप आकर के हमारे यहाँ शॉपिंग करते हैं, और उनको हमेशा पता होता है कि हर फ्राइडे को शाम को आप आएंगे और ये तीन चीजें लेके जाएंगे, राइट? और किसी भी तरीके का आप डिजिटलाइजेशन कर लें, ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप कभी भी एक मॉडर्न रिटेल स्टोर पे अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट? सो व्हाट अपना मार्ट प्लान्स ऑन डूइंग इज दैट वी वॉन्ट टू इंश्योर दैट आर शॉपिंग एक्सपीरियंस बिकम्स डिजिटल, इट मूव्स ऑन अ मॉडर्न रिटेल एक्सपीरियंस, but at the same point of time it happens with the same neighborhood grocery store owner with which you have been doing this for the last 10 years, right? That is the first fundamental that we believe in, right? The second part around which Apna Mart operates, and this is our fundamental philosophy, is that we want to be the lowest priced grocery chain in your neighborhood. So irrespective of wherever you go, irrespective of whatever locality you come from, Apna Mart ka jo price hoga, we want to ensure that that is the most competitive and that is the most lowest in this neighborhood, right? And that is where Apna Mart comes in, right? We are currently operating in about 20 locations within two states, Jharkhand and Chhattisgarh, right? We have expansion plans to operate our franchisees, which would essentially be about 1,000 odd franchisees in the next 1 year. Across multiple locations, right? But at this point of time, our aim is very simple, that in these two states which I have mentioned, Jharkhand and CG, we want to ensure our presence in each and every city, each and every locality, and we want to ensure that Apna Mart becomes that name which starts relating whenever someone says ki dukaan se saman leke aana hai, right? We want that dukaan word to go and Apna Mart word to come in, right? And we are marts which are operating at about 1,000 odd square feet. In the last 2 years, we've seen immense growth. We started off with about 3 odd outlets in Ranchi. And in 18 months, we are currently operating about 100 odd outlets, right? And our expansion has, in these 18 odd months, we have ensured that all of our franchisee partners are on a track to become profitable in the span of about 36 odd months. I think yes, sari details Yasin will go in through this presentation. So please feel free to ask any questions that you might have. We are happy to answer all of them. And in any situation, the panel will try to address any questions either in Hindi or English, whatever makes you the most comfortable. Yeah. Over to you, Yasin. Let's start going around the business model and the overall approach that Apna Mart has taken, and then we'll move to Q&A. Thank you so much, Mayank. Thanks for that little brief about Apna Mart. I think in the interest of this entire audience, main is conversation ko thoda Hindi mein rakhna chahunga. Mujhe aisa lagta hai ki after speaking to about 1,000 odd people on the ground, I've seen ki most people that relate to us communicate in Hindi. If anyone has issues, matlab if someone wants me to communicate in English as well, any doubts, please use the Q&A chat option there. I'll just start. And before start, I'd just like to just highlight a couple of things that Mayank has already spoken about, like what Apna Mart is doing and what are we, right? Just like to tell you a very brief story about how we started. I'll just tell you a random story that had happened back in the year 2021. Two of our co-founders happened to be on a visit in Ranchi, and surprisingly the lockdown was announced ho gaya aur dono ko wahin pe rehna pada, right? Aur jis building mein wo reh rahe the, उसके बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे एक मार्ट था, राइट? एंड व्हेन जब आप एक एंथुसियास्टिक पर्सन होते हो, जब आप एक ऐसे बंदे होते हो जो काफी टेक सैवी है और चीजों को काफी क्लोजली देख रहे होते हो, तो लॉकडाउन में दे रियलाइज्ड यार कि एक दुकान जो बिल्कुल हमारे बेसमेंट में है, ये खुद की इसकी कितनी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप एक टीयर वन शहर से आते हो जैसे दिल्ली बैंगलोर से, तो आपको पता है कि एक टीयर टू सिटी में वो वाला एक्सपीरियंस आप देखते हो, आप सोचते हो कि यार
यहाँ चीजें इतनी आसानी से अवेलेबल हैं, यहाँ चीजें इतनी सफाई से अवेलेबल हैं, और जो मेरी जरूरत है उस हिसाब से अवेलेबल है, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, सप्लाई चेन इनका फटा हुआ है, जो सामान मुझे चाहिए वो नहीं मिलता है, हमेशा उसका एक अल्टरनेट मिल जाता है, और जो क्वालिटी होती है सामान की वो बिल्कुल नहीं मिलती है। तो वहां पे दिखा कि यार यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो शायद हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वेयर द एंटायर आइडिया इनिशिएटेड, और वहां से दोनों ने उस स्टोर पे थोड़ा बेसिकली काम करना स्टार्ट करा, देखना स्टार्ट करा, देन वी फॉर्मड अ वेरी स्मॉल टीम 4-5 लोगों की, एंड देन वी स्टार्टेड टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि सप्लाई चेन वॉज अ बिगर प्रॉब्लम, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वॉज अ प्रॉब्लम, मेंटेन द राइट क्वांटिटी एक प्रॉब्लम थी, राइट, जो सामान आप लेके आते हो उसकी डिमांड क्रिएट करना प्रॉब्लम थी, जो बंदे चल के आपके पास नहीं आ सकते उन तक पहुंचाना एक प्रॉब्लम थी, राइट। सो लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, वी ट्राइड टू फिगर आउट डिफरेंट सॉल्यूशंस दैट कैन हेल्प अस। एंड जब हम ये सोल्यूशन बना रहे थे, जब हम इसे देख रहे थे यार इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करते हैं, सप्लाई चेन को ऐसे सॉल्व करते हैं, दैट इज हाउ द एंटायर मॉडल वाज फिगर्ड आउट, कि एक टीयर टू सिटी में एक ऐसा मार्ट जो ऑफलाइन आपकी लोकेलिटी में, आपके मोहल्ले में आपको सर्व कर सकता है, साथ ही साथ आपको 60-90 मिनट्स में आपके घर पे भी डिलीवर कर सकता है, इज वॉट द न्यू इंडिया नीड्स। एक टीयर टू चाहता ही ये है, राइट, एंड दैट्स हाउ वी फिगर्ड आउट। स्टार्टेड विद one store, we operated that peacefully for about 3 months, and then a lot of people wanted to associate with it, and 2 years down the line, when I look back personally, 2 saal pehle, to it's something that I'm really, really proud of. We started at one city, we're at 20 cities now, 100 plus locations, 34 stores to be opened in next quarter, plus 35 plus people who are really interested in looking for properties, and we are all set to open about 1,000 stores in maybe 3 to 4, maybe next 3 quarters, right? So this is what Apna Mart is in the last 2 years. And talking about our founders, one of our founders is Abhishek Singh, IIT Kanpur pass out, and Chetan Gar, who's also an IIT Kanpur pass out, both passed out in the year 2013-14. And post that, they have been working with exceptional organizations like housing.com, Lenskart, and have built larger scale businesses. And the entire leadership team, including Mayank, includes all people who have worked for different organizations, have led bigger teams, right? So, thoda bahut about Apna Mart, and let me just take you through what we are doing right now, how we are trying to build, right? आई थिंक ये पहले तो एक स्लाइड के बारे में बात करते हैं, जो स्लाइड आप देख रहे हो पार्टनर विद अस, आई थिंक दिस इज वेयर द एंटायर क्रक्स, मतलब पूरी जो कंपनी बनी हुई है वो पूरी इसी बेस पे बनी हुई है कि व्हाट इज द पर्सन, व्हाई इज द पार्टनर विद अस, व्हाई इट इज नॉट जॉइनर्स और फ्रेंचाइज विद अस और इन्वेस्ट इन अस, राइट। पार्टनर इसलिए क्योंकि आई थिंक जब हमने पहले के 4-5 महीने एक्सटेंसिवली ग्राउंड पे काम किया, तो एक बात हमें पता चली कि this business model can only be successful if there are about 2 partners working equally hard to make this successful. Do bande apna ji jaan laga rahe hain din raat, tabhi jo hai ye jo business hai, jo grocery ka business hai, ye successful ban sakta hai. So right now we are not looking for investors. I think investment side pe we are decently invested, or we are not looking for investors. We are looking for people who can partner with us and be equally responsible and be equally excited, happy to be a part of this growing organization and work towards it, right? So this is all about us. We're looking for partners. So ek aur cheez main bata dena chahta hu, ho sakta hai ki bahut sare members ke liye jo call pe hain, aage wale slides kuch ho sakta hai ki kafi redundant ho, kafi basic information ho, but keeping in mind ki hamare paas bahut sare new investors aayenge, to I'd like to brief a little about how we look at this investment as a space right now, कि क्यों किसी को भी invest करना चाहिए in a upcoming growing franchisee brand like Apna Mart, और post that we'll discuss little bit about what retail space has in it for us, right? So over the last year and a half, I've spoken to about 1,000-odd people across cities. I've personally traveled to about 25 different cities, 4 different states. तो मैंने एक चीज देखी है कि most of the investors who are trying to invest are trying to invest because of this 4 major reasons, right? And they should be investing ye 4 reasons ki wajah se hi. Ek, every one of us know right here that India, across the globe, the inflation is so high that the only way that you would save up or maybe grow your money is by investing in some sort of business jo aapki inflation rate se high ho. Right now the inflation is about say 6-6.5% to 7%. Agar aapka paisa aise rakha rahega kahin pe bhi in not so
ग्रेट रिटर्निंग एसेट्स, तो आपका पैसा वैसे ही साल बे साल 7% 4% तक घट रहा है, राइट? एंड दूसरी चीज ये है कि इंडिया और द वर्ल्ड राइट नाउ इज फेसिंग द वर्स्ट जॉब क्राइसिस. इफ आई जस्ट हैव टू गिव यू द राइट नंबर, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि दिस 2022-2023 number of people who have lost the job is about 35%. Out of that, only 7% of people have found a job again, and 28% people are still jobless. And this situation aage jaake ye behtar hoga, bura hoga, no one knows, right? So the job market very clearly is declining for the entire globe, and so is it for India, especially in a tier 2 plus cities. And ek aur reason hai ki yaar, aspiration jo bhi bande hain, jaise aap, main, hum sab is call pe hain, hamari aspiration aaj se 10 saal pehle jo thi उससे बहुत आगे है. दिस एस्पिरेशन ऑफ हैज स्काई रॉकेटेड. आप एक टीयर टू टीयर थ्री सिटी में बहुत छोटे गांव में भी जाकर किसी को पूछते हो आज के डेट में कि आपका एस्पिरेशंस क्या है, देन हिज एस्पिरेशन इज इक्वल टू एनीवन हु इज वे अबव इन द एंटायर ब्रैकेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट? कोई बंदा जो आज के डेट में 50-60 लाख रुपए कमा रहा है, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, शायद एक टीयर टू टीयर थ्री में जो बंदा रहता है छोटी सिटीज में, उसका भी एस्पिरेशन इक्वल है. शायद वो उस स्टेट पे भी पहुंचा नहीं है, बट उसकी एस्पिरेशंस आर इक्वल. एंड इन ऑर्डर टू फ्यूल दैट एस्पिरेशन, आपको और मुझे, वी हैव टू इंश्योर दैट वी हैव दैट एनफ इनकम कमिंग इन. एंड आई थिंक दिस ईयर एंड द ईयर बिफोर अस, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जो जिसको काफी बूस्ट मिला है. आई कैन वेरी क्लियरली सी के आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, अश्विनी ग्रोवर जितना फेमस है, आई थिंक ही इज एज फेमस एज एनी सेलिब्रिटी राइट नाउ, राइट? सो एंटरप्रेन्योरशिप इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू ग्रो. और सारे जो फास्ट मूविंग ग्रोथ आई है, आई थिंक प्रीवियसली इट्स थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप ओनली, एंड आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड एज वेल. एंड दिस इज वाई वी आर लुकिंग फॉर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हर एक एरिया में, हर एक लोकेलिटी में, हर एक शहर में जहां हम जाना चाहते हैं, सो दैट वी कुड ग्रो टूगेदर, राइट? We'll talk a little bit about why retail, why grocery retail. I think ये slide जो है खुद में बहुत clearly आपको बताती है कि why you should choose a modern retail store over any other franchise business or any other business, because it's very clearly it has lower investment required to kickstart. 18-20 lakh rupees में आपका बहुत अच्छे से एक अच्छी store बन जाती है, right? और आपने और हमने very clearly देखा है कि मॉडर्न रिटेल या फिर एक सुपरमार्केट ऐसा बिजनेस है विच इज रिसेशन एंड पैंडेमिक प्रूफ. आई थिंक पैंडेमिक ने हमें ये चीज तो सिखा दी है, सब बंद थे बट एक सुपरमार्केट था जो खुला था हमेशा. एंड जब आप एक ऑप्टिमाइज स्टोर चलाते हो तो आपको पता है कि आप जो इन्वेंट्री है वो फास्ट मूविंग होती है, right? जैसे आपका फैशन है या आपका सैलून है, पार्लर है, यहाँ पे आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो जनरली 3-4-5 महीने तक फंस जाती है. But when it comes to modern retail, the inventory turn is high. तो आप 20-25 दिन का आपका inventory in hand होता है. इसका मतलब आप जितना inventory रख रहे हो, एक महीने के अंदर अंदर आप उसको rotate कर पा रहे हो, right? That's something very great. और best ROI है, because the business model is designed in such a way कि जो आपका ROI है, it's always ensured कि it's on the top notch. Best, one of the best in the modern retail industry, right? And क्योंकि हम एक ऐसी company है, या फिर जो भी founding members हैं, जो early members हैं, everyone is aware about the fact ke you have to build this for modern India, tier 2 India, to aapko unhe tech se enable karna hai, right? Aur jab aap kisi bhi cheez ko tech se enable kar dete ho, to us cheez ko chalane ke liye aapko zyada skilled logon ki zarurat nahi padti. Jaise food industry hai ya fashion industry hai ya salon industry hai, aapko aur hame pata hai ki yahan pe jo log chahiye khane banane ke liye ya salon mein koi bhi kaam karne ke liye, to wo kafi skilled log hote hain. और स्किल लोगों की जो चीजें होती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इज डैम हाई, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी फील कि मॉडर्न रिटेल फॉर ऑल ऑफ दिस 5 रीजंस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर्स राइट नाउ. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर लॉट मेनी रीजंस व्हिच वी विल श्योरली डिस्कस आगे स्लाइड्स में, राइट? और वी हैव जस्ट यूज्ड दिस स्लाइड टू गिव यू अ बेसिक ओवरव्यू, राइट? बेसिक ओवरव्यू एज टू how a modern retail works and how do we think that this is the next gold mine, right? ek context mein aapko de deta hu ki jahan pe bhi hum apne store humne khole hain ya fir jahan pe bhi hum future mein kholenge, hum ye ek cheez ensure karenge ki jo serviceable area hogi us particular store ki, usme kam se kam aapko 3000 household milenge, that is 3000 families. aur ek tier 2 plus cities ka average household spend jo hai
वो तकरीबन 10,000 रुपए हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वुड एग्री टू दैट, राइट. एंड अगर उस पर्टिकुलर लोकैलिटी का अगर आप उसी हिसाब से मैथ कर लेंगे 3,000 × 10,000 × 10,000 पर मंथ, तो वो क्लियरली आपका जो स्पेंड होता है वो 3 करोड़ रुपए पर महीने का आता है. एंड क्योंकि हमने प्रीवियसली बहुत काम किया इस चीज पे, तो एक चीज हमने ये रियलाइज की है कि हर एरिए में, हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में आपकी 3 ऐसी दुकानें होती हैं जो 30% उस मोहल्ले का मार्केट शेयर उनके पास होता है, और ईच स्टोर डज अबाउट 10% ऑफ द ओवरऑल एरिया स्पेंड ऑन ग्रोसरी. तो हम ये चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ what we are doing right now, with the help of the modern technology, best experience, best pricing and all of that, hum us mohalle ki wo 3 mein se 1 store banna chahte hain jo mahine ka 30 lakh rupaye ka sale kare. It's not a rocket science. I think 90% mohalle mein ya 90% tier 2 cities mein already ho raha hai. It's just about replacing them with apna mart, with better experience, better pricing and better quality, and that is all why I'm here for. आप और मैं, right? Going ahead, I'll tell you how we are driving this. जब हम कह रहे हैं कि हम आपके मोहल्ले की टॉप 3 दुकानों में से एक दुकान बनेंगे जो मे बी एट अ स्केल ऑफ 2-2.5 years 30 लाख रुपए पर महीने का सेल करेगा, then the next question would be कि क्यों और कैसे? Why do you think you will be able to be the 10% वाले 10% वाले stores, and how will you achieve that numbers, right? So I think how we are able to do that right now is basically 3 cheezon pe. The entire thing depends on 3 cheeze. Ek to world class consumer experience. Bahut sare retail outlets, bahut sare brands, bahut sare stores pe main personally visit maine kiya hai. One thing I can vouch out for is ki jo consumer ka buying experience ek apna mart ke store mein hota hai, that's next level, right? Right from the time he gets inside the store, jaise wo store pe ghusta hai, store ki cleanliness, store ka outside look, facade, स्टोर की इंटरनल क्लेनलीनेस, आपका ओवरऑल स्टोर का लेआउट, जैसे आप घुसते हो आपको पहले ब्रेकफास्ट आइटम मिलता है, देन यू गेट ऑल योर स्टेपल्स, देन योर होम नीड्स, आपका पर्सनल केयर, जो भी स्टोर है जैसा भी है उसका पूरा प्लानोग्राम कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाएगी, कौन सा आपके आई लेवल पे होगी, कौन सा नीचे होगी, एवरीथिंग इज डिजाइंड एंड प्लान्ड अकॉर्डिंगली, राइट. वंस यू गो इनसाइड, आपके लिए हमेशा देयर विल बी वन गाय हु विल बी हेल्पिंग यू. आपको एक सामान की जरूरत है, आपको दिख नहीं रहा है, तो देयर विल बी समवन हु इज हेल्पिंग यू आउट ऑलवेज. प्लस जब आप सारा खरीद के वापस बिलिंग करने के लिए आते हो, वी आर इंश्योर्ड दैट द डिजाइन एंड लेआउट इज इन सच अ वे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें. योर एंट्री एंड एग्जिट इज एब्सोल्युटली ग्रेट, एंड यू हैव द मोस्ट क्लीनेस्ट स्टोर्स इन योर लोकैलिटी, राइट. दिस इज समथिंग एवरीवन वांट्स. प्लस देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्सपीरियंसेस व्हिच वी गिव टू आवर कस्टमर्स. लाइक फॉर एग्जांपल, हम हर परचेज पे आपको 1% कैशबैक पॉइंट्स देते हैं, विच एड्स अप टू सो मच वैल्यू दैट यू फील कि जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हो, देयर इज समथिंग ग्रेट टू इट. देयर इज अ रिकॉल वैल्यू, और देयर इज यार कि मैं कर रहा हूं तो दे फील यार कुछ हो रहा है उनके साथ, कुछ स्पेशल हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, राइट. एंड वी ऑलवेज इंश्योर के few things that we have done, no question asked returns and refunds, right? Be it offline or online orders, हम ये हमेशा ensure करते हैं हमारे customers के साथ. Immediately you get a hard copy of जो भी आप invoice कराते हो, bill कराते हो, उसकी immediately आपको hard copy मिल जाती है, which clearly defines कि आपने आज इस purchase से कितना पैसा save किया. Plus at the same time you also get a soft copy sent out to your number, right? And every time आप खरीदते हो, आपके points accumulate होते हैं, you also get notified about it, right? So ये overall जो experience है एक मॉडर्न मैं तो कहना चाहूंगा मॉडर्न किराना का या फिर मॉडर्न रिटेल का, ये आपको जैसे आप अंदर घुसते हो वहां से लेकर जब बाहर निकलते हो, ओवरऑल एक्सपीरियंस इज एक्सेप्शनल, राइट. एंड एवरीथिंग इज टेक एनेबल्ड एंड इट्स फ्यूचर रेडी, राइट. जैसे इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीयर 2 प्लस सिटी, छोटे से शहर हजारीबाग जैसे शहर में जो झारखंड में है, ये सोच पाना आज से 1 साल पहले कि अगर मैं कोई भी सामान चाहता हूँ मेरे घर के लिए, क्या मैं उसको घर बैठे ऑर्डर कर सकता हूँ, और क्या मैं उसको 60 से 90 मिनट के अंदर घर पे डिलीवरी ले सकता हूँ, और क्या वो मुझे उस प्राइस पे मिलेगा जो मेरे आसपास के किराने या आसपास के सुपरमार्केट में नहीं मिलेगा, तो ये शायद बहुत मुश्किल था. बट राइट नाउ आई थिंक वी आर मेकिंग श्योर दैट वी हैव अ डिलीवरी टाइम लेस देन 60 मिनट्स. वी हैव 90% ऑफ द टाइम वी हैव द स्टॉक्स अवेलेबल. आवर इन्वेंटरी सो लीन के हम, बिकॉज कोई भी एक स्टोर जब 1 साल 1.5 साल तक चलता है, तो वेरी क्लियरली एक आइडिएशन हो जाता है, उसकी इन्वेंटरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि पता चल जाता है कि कौन सा सामान ज्यादा उस मोहल्ले में बिकता है, उस एरिया में बिकता है, उस जगह में बिकता है.
So we have a very lean inventory which we maintain, and you will be surprised to see that when you open your app, the first few recommendations or app are exactly what you need most of the time. Or on that point of day, like for example, you log in at 6:30 app, you see that one of the recommendations is your milk, dairy, your late evening eating snacks items, right? So this is some few of the things that we have ensured, which we are tech-enabled for today and for future. Right, and jo jaise Mayank bata rahe the, one point that we are providing you all of this at unbeatable value at an incredible price. Ke right now, agar hum kahe, to pure Jharkhand, I think in terms of the pricing, what we give, shayad hi koi bhi business hoga. The top 80% SKUs jo bikte hain, matlab agar hum 2000 items store pe rakh rahe hain, to usme ke top 80% aapko 8% se zyada aapke discount pe milenge on MRP, and the rest could be little lesser than that. लेकिन हम ये प्रॉमिस करते हैं ऑन एवरी सिंगल ऑर्डर के वील गिव यू मिनिमम 5% यू नो डिस्काउंट ऑन व्हाट एवर यू परचेज राइट. जब मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जाके कैलकुलेट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अबाउट 6.5-8%. सो दिस इज हाउ वी आर प्रोवाइडिंग ग्रेट वैल्यू एट एन इनक्रेडिबल प्राइस. व्हेन जब ये सब चीजों को हम बंडल अप करते हैं विद एक्सपीरियंस एंड टेक, आई थिंक दिस इज हाउ or this is why we have grown to about 100 plus stores in less than 2 years, and we have about 2 lakh plus app downloads, and we have about 30 lakh orders that we have served. Hum abhi to we are almost doubling this in every quarter. Har 3 mahine hum isko double kar rahe hain, and I can very proudly say ki ek tier 2 city mein jo bhi 1 hour की डिलीवरी करता है, जो भी मतलब बहुत कम लोग करते हैं जिसमें करते हैं, वी आर द टॉप रेटेड इन टर्म्स ऑफ द रैंकिंग ऑन गूगल एज वेल. और जब से हमने ये सेशन स्टार्ट किया अभी तक आई थिंक वी हैव स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स, और इस 20 मिनट्स में हमने ऑलरेडी 2000 प्रोडक्ट जो है अपने वेरियस स्टोर से ऑफलाइन और ऑनलाइन बेच दिया है. सो दैट सेज के एट व्हाट स्केल वी आर ऑपरेटिंग, दो वी आर ऑपरेटिंग इन टियर 2 प्लस सिटीज, एंड व्हेन वी से के हम इसी नंबर को जो अभी 100 है इसको 1000 कर देंगे बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर, आउट ऑफ व्हिच अबाउट 60 स्टोर्स आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस. तो ये 2000 बाय द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर मीटिंग मे बी इन 3-4 मंथ्स, दिस 2000 विल बी से अबाउट 4-4.5 thousand. सो दिस इज हाउ वी आर ड्राइविंग नंबर्स, दिस इज हाउ वी आर इंश्योरिंग के दिस वैल्यू इज ऑलवेज पास डाउन टू आवर फ्रेंचाइजी पार्टनर्स राइट. एंड दिस इज सम ऑफ आवर स्टोर्स, वेल देयर आर 100 प्लस, सम ऑफ द स्टोर्स जो छत्तीसगढ़ में है, सम ऑफ देम विच आर इन रांची, एंड दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द स्टोर्स लुक आउटसाइड एंड इनसाइड. ऑलराइट, आई जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी विल टॉक बेसिकली अबाउट बिजनेस मॉडल. बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं इसको काफी सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, एक बहुत बेसिक तरीके से. अपना मार्ट जो है अपने हर एक स्टोर हर एक मोहल्ले में खोलना चाहते हैं. वी आर नॉट दैट स्टोर जो मेन रोड पे, जब अपने मोहल्ले से निकल के मेन रोड पे जाते हैं तो उस पे जो दुकानें मिलती हैं हम वो नहीं है. हम वो दुकान है जो आपके मोहल्ले के अंदर है, जहां आप कभी भी कंफर्टेबली घुस सकते हो, बिकॉज आपको पता है आपको ग्रेट वैल्यू मिलेगी, ग्रेट क्वालिटी मिलेगी, और इंश्योर करेंगे कि प्राइस वही मिलेगा राइट. एंड इस स्टोर को बनाने के लिए जनरली 15-18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसमें आपका 5 लाख रुपए के अराउंड जो है इंफ्रा पे लगता है, प्लस अबाउट 8-10 लाख रुपीज ऑन योर इन्वेंट्री राइट. और हमारे जितने भी स्टोर हैं राइट नाउ इन अबाउट से 6-12 months के पीरियड में दे रीच अबाउट से 8-15 lakh सेल्स पर मंथ राइट. एंड मार्जिन्स दैट वी प्रोवाइड, जो हम मार्जिन कस्टमर्स को देते हैं, जो हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको देते हैं, दैट इज अबाउट 8-10% ऑन वॉट एवर दे परचेज. और जो ROI है इज अबाउट 30-50% पर एनम. अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो the ROI, return on investment जो आप expect कर सकते हैं इस business model से is about 30-50%. Majorly जितने भी हमने brand new stores खोले हैं, वो जितने भी हमने अभी तक खोले, we have about 30 plus stores, all of them are in line to break even in 2 years. 18 months से 2 साल के अंदर break even कर लेंगे. This is the pace at which they're growing, right? और break even और profitability, after the first 3-6 months, 95% of stores don't have to pay anything from pocket. मतलब 3-6 महीने के अंदर अंदर कोई भी जो स्टोर है वो कभी भी अपने पॉकेट से पैसा नहीं पे करेगा, अपने रेंट के लिए, अपने स्टाफ की सैलरी के लिए, और कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि आपका सेल उतना स्केल हो जाता है, मतलब आपका जो सेल्स होता है स्टोर का उतना स्केल हो जाता है कि आप उतना पैसा उससे कमाने लगते हो राइट. सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट व्हाट द बिजनेस मॉडल इज, एंड दिस इज हाउ इट कंक्लूड्स राइट. और
मैं आपको बताता हूँ थोड़ा स्टोर लॉन्च हम कैसे करते हैं. जनरली हमारा जब एक अग्रीमेंट साइन हो जाता है स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इट टेक्स अबाउट 30 दिन. 30 दिन में हम आपके स्टोर को प्लान करते हैं. 30 दिन में आपका स्टोर लॉन्च होता है प्रोवाइडेड आपकी प्रॉपर्टी जो है तैयार है. राइट, फर्स्ट वीक आपका जितना भी स्टोर का लेआउट है कि स्टोर बनेगा कैसे, बाहर से दिखेगा कैसे, अंदर से कैसे दिखेगा, क्या क्या चीजें लगवानी है, क्या चीजें हटानी है, इसका पूरा लेआउट डिजाइन जो है हमारी सेंट्रल टीम, डिजाइन टीम हमारी सेंट्रली यहाँ बैंगलोर में बैठती है, वो डिजाइन करके आपको देंगे. राइट, बेसिस आपकी अप्रूवल ये आगे जाएगा. और इसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, शॉप का रजिस्ट्रेशन हो गया, एफएसएसआई लाइसेंस हो गया, इस सारे का काम स्टार्ट हो जाता है. अगर आप कर सकते हो तो बढ़िया, वरना हमारे डेडिकेटेड टीम भी होती है जो आपकी हेल्प कर देगी इसमें. राइट, और डे वन से आपका स्टोर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेटअप होना स्टार्ट हो जाता है, जो जनरली 25 से 26 दिन के अंदर खत्म हो जाता है. और जैसे ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोसेस चल रहा होता है, आपका दुकान बन रहा होता है अंदर बाहर पूरा, तो आपका तकरीबन जो भी स्टोर कंप्लीशन पे आना होता है तो आपका फ्रंट फसाड, फ्रंट का साइनेज जो होता है, लोगो सब लगना शुरू हो जाता है. और साथ ही ओनर की ट्रेनिंग, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग, अपने मैनेजर्स की ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है. अपना मार्ट राइट नाउ खुद ट्रेनिंग करता है अपने सारे स्टाफ की इंक्लूडिंग ओनर, हर चीज को लेकर कि बेसिक नो हाउ रिटेल के क्या होते हैं, कस्टमर से बात कैसे की जाती है, ऑर्डर कैसे लिया जाता है, वेयरहाउस पे ऑर्डर कैसे दिया जाता है. राइट, ये सारी चीजें. और एज अ स्टोर ओनर आपको डेली 4-5 चीजें क्या हैं जो करनी चाहिए, इन सारों पे आपकी डेडिकेटेड ट्रेनिंग होती है, आपके स्टाफ की डेडिकेटेड ट्रेनिंग होती है बाय अ ट्रेनर, जो मोस्ट प्रोबेबली ही विल विजिट टू योर लोकेशन जहां पे आप रहते हैं, ही विल विजिट देयर एंड ही विल डू इट. राइट नाउ हमारा जो सेंटर है वो रांची में है, तो जितने भी झारखंड के हमारे नए स्टोर्स खुलेंगे वो लोग रांची आते हैं और वहां पे वो ट्रेन होके फिर वापस जाते हैं. राइट, एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, जैसे आपका अंदर का काम और बाहर का काम कंप्लीट हो रहा होता है, आपका स्टॉक वेयरहाउस से आ जाता है और हम लॉन्च आपका प्रिपेयर कर लेते हैं. वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर स्टोर फॉर लॉन्च, कि कैसे लॉन्च हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, कोलैटरल्स, मार्केटिंग कैसे हो रही है स्टोर के बारे में, मोहल्ले में पता कैसे चल रहा है, ऑल ऑफ दैट. इस पे कंपनी काम करना स्टार्ट कर देती है. ऑन द 30th डे आइडियली आपका स्टोर जो है लॉन्च हो जाता है, दैट बिकम्स योर डे वन फॉर योर स्टोर लॉन्च. राइट, सो दिस इज हाउ 30-day स्टोर लॉन्च का पूरी जर्नी होती है. और थोड़ा मैं हमारे पार्टनर्स के बारे में बताना चाहता हूँ. आई थिंक आप अगर ये आज सोच रहे हैं कि मुझे भी अपना मार्ट के साथ जुड़ना है, देन आई थिंक ऑल दैट यू नीड इज ओनली 3 basic things. यू नीड एन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, आपके पास राइट सिविल स्कोर होना चाहिए और एक प्रॉपर बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन. आई थिंक जो आपका लास्ट वाला पीस है, आई थिंक अपना मार्ट विल हेल्प यू देयर. इफ यू हैव अ डिसेंट सिविल स्कोर एंड यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी द एंटरप्रेन्योर, देन आई थिंक यू कैन बी वन ऑफ अवर पार्टनर्स. और यहाँ पे हमारे कुछ पार्टनर्स हैं, स्नेहलता सिन्हा जी हैं जो ये एम चशायर रोड की ओनर हैं, एक है तुलिका सहाय जोड़ा तालाब, जो जोड़ा तालाब वन ऑफ आवर सेकेंड स्टोर है हमारा, उनकी ओनर है. एंड अतुल कुमार है जो हमारा सबसे पहला कन्वर्जन स्टोर था, ये एग्जिस्टिंग स्टोर था जिसको हमने कन्वर्ट किया था, ये उनके ओनर है. एक चीज मैं कॉमनली इन तीनों की बता सकता हूँ आपको कि तीनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और ये स्टोर को दिन में तकरीबन 3 से 4 घंटे देते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस स्टोर्स आर डूइंग इन एक्सेस ऑफ 10 lakhs पर मंथ, और आई थिंक दे आर ऑन द वर्स टू डू अबाउट 30 lakhs. जब जैसे ये स्टोर सारे 2-2.5 साल पुराने हो जाएंगे, दे विल बी एबल टू रीच दैट 30 lakh वाला नंबर इजिली. राइट, एंड थोड़ा मैं आई थिंक बिफोर वी कंक्लूड, थोड़ा मैं मार्केटिंग एक्टिविटीज हम क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ कि वॉट वी करेंटली डू राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग. हम आज के डेट में इनॉग्रेशन डे से पहले और इनॉग्रेशन डे के बाद जनरली मार्केटिंग में क्या सपोर्ट करते हैं हमारे पार्टनर को, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ. दिस इज वॉट वी जनरली डू. अपना मार्ट में वी इंश्योर के द फर्स्ट 10 days आर वेरी एक्साइटिंग. पहले 10 दिन जो है आपको एज अ स्टोर ओनर, आपके स्टाफ को एज अ स्टोर स्टाफ और आपको एज अ कस्टमर भी, बहुत सारे लोगों को इट्स वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि पहले 10 दिन में देर आर गुड एक्साइटिंग ऑफर. सम ऑफ द ऑफर्स आर मेंशनड हियर, जैसे ₹5 में 2 kg शक्कर ऑन एनी परचेज ऑफ ₹1500 एंड अबव, या फिर आपको अम्ब्रेला फ्री ऑन एनी परचेजेस, 5% एक्स्ट्रा कैश बैक, ऑल ऑफ दिस. ये सारी चीजें हैं जो हम पहले 10 दिन में करते हैं स्टोर को, ताकि स्टोर को हमेशा वो बूस्ट मिले. एंड लेट मी रिमाइंड यू, जो भी हमें ऑफर्स चलाते हैं वी रन इट सेंट्रली, हम सेंट्रली इसको चलाते हैं. इस पे इसका जो इम्पैक्ट है वो फ्रेंचाइजी पार्टनर के मार्जिन पे नहीं पड़ता है.
एंड ये कुछ फेस्टिवल ऑफर्स हैं जो हम चलाते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने इस मार्केटिंग को देखा होगा, एक्टिविटीज को. सम ऑफ द ऑफर्स लाइक बम्पर ऑफर जो हमने चलाया था रिसेंटली दिवाली पे, रिसेंटली दिवाली पे हमने ऑन 2500 रुपीस के परचेस पे 8 पीसेस बाउल सेट फ्री वो वाला चलाया था. राइट नाउ भी सिमिलर ऑफर एक्टिव है ऑन मोस्ट ऑफ आवर स्टोर्स. हम बहुत सारे दूसरे भी ऑफर चलाते हैं, जैसे हमने रांची में चलाया था दिवाली लकी ड्रॉ ऑफर, जिसमें हमने अबाउट 5 रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, देन फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सारे हमने स्टोर्स ओनर्स को या फिर हमारे जो कस्टमर्स थे उनको दिए थे. राइट, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी डू सेंट्रली. और इसके अलावा एक बहुत एक्टिवली हम ATL BTL एक्टिविटीज भी हम करवाते हैं. जैसे आप जो लेफ्ट में स्क्रीन में देख रहे हैं, ये प्रभात खबर की न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज है जहां हमने एड चलाया था. और हम इसी महीने में, जिस भी महीने में हम न्यूज़पेपर में एड चलाते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट 3 बार चलाएं ताकि वो रिकॉल वैल्यू क्रिएट कर पाए. राइट, और इसके अलावा हर एक स्टोर के लिए कम से कम दिन का 3,000 से 4,000 रुपए का स्पेंड होता है एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग. हम हमेशा ये इंश्योर करते हैं राइट फ्रॉम द डे 1, जब से हमने पार्टनरशिप की थी किसी भी स्टोर से, कि उनकी स्टोर के प्रॉक्सिमिटी एरिया में, उनके लोकेलिटी में हमेशा एक एक्टिव व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कैंपेन हमेशा चलता रहे, ताकि उनके जो न्यू कस्टमर्स हैं वो एड होते रहे. इसके अलावा जितनी भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वी ट्राइंग टू कीप देम एक्टिव, और उनको हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि स्टोर को हमेशा एनफ विजिबिलिटी मिले इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांड. एंड लास्ट, सम ऑफ द BTL एक्टिविटीज जो हम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल टोटो हम चलाते हैं, या फिर 90 मिनट्स वाला जो हम नो पार्किंग बोर्ड्स लगाते हैं स्टोर पे, सम ऑफ द ऑफर्स दैट वी रन, सम ऑफ द जो भी हम स्टोर इनॉग्रेट करते हैं, वी इंश्योर कि देयर इज अ लॉट ऑफ बस क्रिएटेड, सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि हम लॉटरी चलाते हैं. Right, so these are some of the activities that we ensure ke there is enough marketing activities done by Apna Mart across that store in that locality to ensure ke aapka day one ka jo launch hai, that is exceptional and it continues from there on, taaki aapko jaise wo push mile and post that it continues and goes on for a very long time. Okay, I think that's it guys. Yehi do teen cheeze thi jo main aapko share karna cha raha tha.